क्या सही में हमको मर जाना चाहिए, क्या हमको नहीं लड़ना चाहिए? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या सही में मैं मर जाऊंगी तो आप लोग खुश हो जाएंगे? क्योंकि आप लोग, अगर कुछ लोग बोले कि आप शेरनी हो, बंगाल के शेर के तरह जीना चाहिए, उस शेरनी फिर से कमबैक की है। आपसे देखती थी कि छत से नीचे देखती थी कि हमको मर जाना चाहिए, पंखा देखते तो लगता है कि लटक जाना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन एक अपने आप से एक ही सवाल कहिए, अगर मर जाएंगे तो सॉल्यूशन, यही सोचेंगे ना कि मैं कायर हूं और बात सही था तो हम कायर सच से मर गए। मरना नहीं है मुझे, देखते हैं और क्या क्या झेलना पड़ता है हमको, और झेलेंगे, तूफान आएगा हमको पता है इस, और आज के बाद और ज्यादा आएगा। जब तक मैंने काम किया तब कुछ नहीं, मैं गंदी हूं, मैं बहुत खराब हूं, आप लोगों ने क्या किया उस चीज को स्प्रेड कर करके, क्या किया आप लोगों ने उसको, व्हाट्सएप मैसेंजर, मैं सही में बता रही हूं, ये लोग माने या नहीं माने मेरा खुद का अनुभूति है, मुझे नहीं पता था कि टेलीग्राम क्या चीजें होता है। नमस्कार, मैं नीजू, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी कनेक्ट पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूँ, पर आज इस इंटरव्यू में कोई भी चटपटी बातें नहीं करने वाला हूँ। जी हाँ, एक मुद्दा लोगों ने काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उसी मुद्दे पर बात करेंगे, उस एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, त्रिशा कर मधु, आप सभी लोगों ने उनके वीडियो काफी ज्यादा देखे होंगे, काफी ज्यादा हिट गाने दिए और एक से एक हिट गाने दिए, लेकिन वो कंट्रोवर्सी में फंस गई। आखिरकार वो कंट्रोवर्सी में कैसे फंसी और अब वो क्या करने वाली है, क्या उनका अगला स्टेप होगा, किस तरीके से धमाकेदार करने वाली है, इंडस्ट्री में हो चुकी है वापसी, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने चैनल पर स्वागत करते हैं, स्वागत है त्रिशा जी। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, और हमारे जितने भी भोजपुरी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, सबको कोटि कोटि प्रणाम, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ हूँ और आप सबके सामने हूँ। सबसे पहले तो बहुत ही वेलकम आपका इस इंडस्ट्री में, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, इस एल्बम दुनिया में, इस फिल्मी दुनिया में आपका सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ एज ए मीडिया पर्सन, क्योंकि मैंने कई लोगों का इंटरव्यू किया और उसके तहत से मैं आपका स्वागत करता हूँ सबसे पहले। थैंक यू सो मच नीजू जी, और आप मेरा हमेशा सपोर्ट किए, इसीलिए आपको, मतलब आपको थैंक यू बोल के भी वो कमी पड़ जाएगा, और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू मुझे फिर से इस तरीके से इतना हिम्मत देने के लिए। अब थोड़े तीखे सवाल, स्टार्टिंग में तीखा सवाल से करूंगा, क्योंकि लोगों को ना क्या होता है ना, कमेंट में बहुत, मेरे इंटरव्यू में कई सारे लोगों ने गंदे गंदे गाने लिखे। भाई साहब, जितने लोग देख रहे ना, गाने देने से पहले आप सोचा करो कि आप लिखते क्या हो। मैडम, सवाल ये है, जिस तरीके से आपका वीडियो वायरल होता है, आपको तो मर जाना चाहिए था, सिंपल सी बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कमेंट में करते हैं, उनके लगी, क्या सही में हमको मर जाना चाहिए, क्या हमको नहीं लड़ना चाहिए? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या सही में मैं मर जाऊंगी तो आप लोग खुश हो जाएंगे? या मैं आज खड़ी हूँ यहाँ पे और अपने, और मरूंगी क्यों, किसके लिए? उस लोगों के लिए जो लोग मुझे मारने की कोशिश किया? वही लोग तो हैं जो चंद चार लोग हैं, चार पांच लोग ऐसे जो ग्रुप में होते हैं, इकट्ठा होते हैं और सीधा कहते हैं। मैं आपको निजी भी एक बात बताता हूं, आज लगभग 3 महीना होने वाला है और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और मैं किस दौर से गुजरी हूँ, कहाँ से गुजरी हूँ, जो मेरे संपर्क में थे वो लोग काफी ज्यादा अच्छे से जान रहे हैं, और सबसे ज्यादा अच्छे से जान रहे हैं मेरे माता पिता, मेरा गार्जियन। ऐसा वक्त मेरे साथ गुजर गया, लोगों को लगा कि मैं पब्लिसिटी स्टैंड करने के लिए, मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू दूंगी ही नहीं, मुझे कहीं जगह नहीं बोलना है, मैंने हर चीज को ऑफ कर दिया, मैं हर चीज, हर कनेक्शन से दूर चली गई। लेकिन ऐसे देखती थी कि छत से नीचे देखती थी कि हमको मर जाना चाहिए, पंखा देखते तो लगता है कि लटक जाना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन एक अपने आप से एक ही सवाल कहिए, अगर मर जाएंगे तो सॉल्यूशन, यही सोचेंगे ना कि मैं कायर हूं और बात सही था तो हम कायर सच से मर गए। मरना नहीं है मुझे, देखते हैं और क्या क्या झेलना पड़ता है हमको, और झेलेंगे, तूफान आएगा हमको पता है इस, और आज के बाद और ज्यादा आएगा। और शायद 50 कॉले आते थे, आज हमारे संपर्क में जितने लोगों 100 कॉले आएगा, धक्का मारेंगे हम ही खड़ा रहेंगे, देखते कितना गिराने का कोशिश करते हैं। यही तो मैंने सवाल किया, इसीलिए वो कमेंट करने वालों के लिए सवाल था कि भैया आपकी जिंदगी आपके घर वालों के लिए आपसे चलती है, अच्छा, ना कि उनसे चलती है जो कमेंट करते अच्छा, हैं। ये बताइए, मेरा वीडियो वायरल हुआ, एज अ लड़की जितने भी खराब क्यों ना हो,
जो पैसा लेके भी काम करते हैं, जो बहुत ही गंदे आप लोगों के शब्द से, जिस शब्द आप लोग मेरे ऊपर प्रयोग किए थे, जो धंधा करती है वो औरत चार दीवारी के अंदर जो चीजें करती है सब लोग करते हैं, वो खुद भी चाहके नहीं इस चीज को रिलीज कर सकता है। और जब मुझे नेम फेम सब कुछ मिल ही गया था तो मैं इस चीज को क्यों करूंगी? मैं सवाल करती हूँ, क्यों करूंगी? कोई जवाब? क्या चीज का पब्लिसिटी? जब भोजपुरी दर्शकों ने, जब पब्लिक ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, मेरा गाना इंडिया टॉप मोस्ट लेवल में राकेश मिश्रा जी के साथ हुए, और मैं जब तक गाना हिट था तब तक मेरा कोई बदनामी नहीं, जब तक मैंने काम किया तब कुछ नहीं, मैं गंदी हूं, मैं बहुत खराब हूं। आप लोगों ने क्या किया उस चीज को स्प्रेड कर करके? क्या किया आप लोगों ने उसको? व्हाट्सएप मैसेंजर, मैं सही में बता रही हूँ, ये लोग माने या नहीं माने, मेरा खुद का अनुभूति है, मुझे नहीं पता था कि टेलीग्राम क्या चीजें होता है, और इतना बड़ा फाइल कहाँ जा सकता है। मैंने गलती किया, मेरा गलती यह था, ये था कि विश्वास, मेरा गलती ये था कि अपने फोन की चीज अपने फोन तक ही रहता है। बहुत दिनों चीजों का बात, मैं उस चीज को टॉपिक को उठाना ही नहीं चाहती। मैं ये सवाल आप लोगों से करना चाहती हूँ, आप लोगों ने क्या? मैं बहुत गंदी हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं बहुत गंदा काम किया हूँ, सारे लोग करते हैं, और सबका पर्दे के अंदर है, मेरा पर्दे के बाहर आ चुका है, कहां से आया आज तक अभी तक नहीं पता मुझे, लेकिन ये बताइए आप लोगों ने क्या किया? चलिए कोई बात नहीं मैडम, मैं सिंपल सी बात कहूंगा, उन लोगों के लिए, उन चंद लोगों के लिए ना आप छोड़िए, क्योंकि उन सभी गधों के लिए जो लिखते हैं ना कमेंट में, उन्हीं के लिए मैंने तीखे सवाल किए थे। बेसिकली आप तो हिट दिए, एक ने हिट दिए राकेश मिश्रा के साथ, 300-350 मिलियन दे चुके, कल्लू हो अरविंद के, चाहे समर भैया के साथ हो या फिर आप खेसारी जी के साथ, हाल ही में आपने एक जो वीडियो शूट किया था एंगल के लिए, काफी ज्यादा वायरल हुआ था, हर लोगों के साथ अब क्या स्टैंड है? अब क्या त्रिशा कर धमाका कर रही है? अगला स्टेप क्या है? क्योंकि सिंपल सी बात है, एक आर्टिस्ट कैमरा से दूर नहीं रह सकता, वो उसकी लाइफ वैसे भी कम हो जाती है जब वो कैमरा से दूर होता है। मैं बता रही हूँ, मैं क्या धमाका करने वाली हूँ ये तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ आप ही लोगों से सीखी हूँ, शेर जंगल में रहते हैं, घायल जरूर होते हैं, लेकिन दहरना नहीं बोलते हैं, दहर होगा जरूर, और उस दहर के लिए सबको तैयार होना होगा। और सही बात है, मैं नहीं काम कर रही थी इसलिए क्योंकि मैं सामने, सबके सामने कैसे आऊंगी, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं जुट रहा था, मैं कैसे सबके सामने आऊं, कैसे कैमरे के सामने बोलूं अपने चीजों को, बहुत सारा सवाल तो मेरे अंदर भी है जिस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। एक आप लोग डेली जो लोग घर से बाहर घूमते हैं, मार्केट जाते हैं, ये जाते, जो कैमरे के सामने 24 घंटा रहती थी, वो लड़की अगर 2-3 महीना तक चार दीवारी के अंदर बंद हो जाए और रूम से बाहर, गेट से बाहर ही नहीं जाए, उसके साथ क्या हो सकता है वो सोचिए। आप लोगों ने तो बहुत चीजें बना बना के लिख दिए, बोल दिए, मैंने इंटरव्यू नहीं किया तब पर भी दूसरा इंटरव्यू लेके उसमें डाल दिए, मैं लाइव नहीं आई, 50 मेरा फेक अकाउंट बन गया, मेरा पेज बन गया, मेरा आईडी बन गया, मेरा इंस्टाग्राम फेक अकाउंट, कितना लोगों ने, यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं खुद कभी डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि मेरा रियल आईडी कौन सा है, यही नहीं समझ में आता है कि क्या मैं अपना नाम चेंज कर लूं, लेकिन नहीं करूंगी। कितना फेक अकाउंट बनाना है, कितना गंदा बोलना है, बोलिए, समय आप लोगों का है, आप लोग बोल रहे हैं, सबका समय आते हैं। सिंपल सी बात है मैडम, इस चीज को छोड़िए आप, अब बात कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है सभी लोगों को। भाई साहब सिर्फ एक ही सी बात कहूंगा ना, नया धमाका मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, त्रिशाकर मधु इस समय जहां पर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो बनारस है, और बनारस में देवी गीत का शूट पूरा हो चुका है। भाई साहब एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, क्या सही बात है? एकदम बिल्कुल सही बात है, और बहुत ही अच्छा देवी गीत आने वाला है। किसके साथ आने वाला है, कैसे आने वाला है ये नहीं बताऊंगी, पोस्ट करूंगी, जरूर बताऊंगी, उस टाइम देखिएगा। और पहला पोस्ट जो मेरा रियल अकाउंट है तब पता चल जाएगा, पहला पोस्ट मेरे अकाउंट से रहेगा जब मेरा गाने का। सिंपल सी बात है भैया, स्टे ट्यून, तैयार रहे भैया, क्योंकि देवी गीत से ना धमाका तैयार करने आ रहे। मैडम क्या लाइनअप है, क्योंकि आपके फैंस ना
मुझे पर्सनली कई लोगों ने गालियां मुझे भी दिया है पर्सनली, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरव्यू मेरे पास ही है, मैंने ही किया है आपका सबसे ज्यादा, और कई लोगों ने ऐसे फैंस भी है मेरे पास जिन्होंने लिखा है कि निजू भैया आप बोलिए त्रिशा गुरु मधु जी को कि भैया स्टार्ट करें अपनी जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि क्या अब उसके बाद क्या देवी गीत के बाद क्या लाइनअप, कुछ तैयारी कुछ खुलासा? कुछ फिल्म की बातें चल रही हैं जो पहले से भी था, काफी लोग डिस्टर्ब हुए हैं, काफी लोगों को स्टैंड लेने में ये सोच रहे हैं कि हम आगे नहीं आ रहे तो वो लोग कैसे स्टैंड ले, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कौन पहले लेगा, मुझे नहीं पता है कि कौन लोग स्टैंड लेंगे कौन लोग नहीं लेंगे, मुझे मुझे इतना पता है कि मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ और एक के बाद एक धमाका आप सारे लोगों के लिए तैयार है, कुछ मूवीज का भी बात चल रहा है और एक के बाद एक एल्बम आते रहेगा, मैं काम करती रहूंगी और हर अपडेट इनके जरिए मेरे अकाउंट के जरिए आप सारे लोगों के पास मिलते रहेगा। और हाँ एक बात और बोलूंगी, जो मेरे सही में वेल विशर है, जो लोग मुझे सही में चाहते हैं, मेरे अकाउंट में 10 गाली आता है, 2 कमेंट आता है कि दीदी आपका फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ और ऑलवेज मैं आपके साथ हूँ, उन लोगों के लिए शायद आप लोगों का प्रे के लिए ही मैं आज यहाँ पे हूँ, नहीं तो काफी बार सोची हूँ कुछ कर लो लेकिन किसके लिए करूँ, किसके लिए करूँ, उन लोगों के लिए जो लोग मुझे मानना चाह रहे हैं उन लोगों को जिता दूं या उनको जिताऊं, उस माँ को जिताऊं जो मुझे इतना दिन पाल पोस के बड़ा किए, जो जिन लोग मेरे बदौलत जी रहे हैं, मेरा चेहरा देख के जी रहे हैं, उन लोगों मतलब मैं मरूंगी तो मेरे साथ साथ मेरा फैमिली भी मरेंगे, और आपको अच्छे से पता है मेरा फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और आज ये भी बता रही हूँ आप अगर मुझे मारना चाहते हो ना, अगर सही में मारना चाहते हो तो गाली मत दो, अगर सही में मारना चाहते हो सामने इनके जैसे सामने आओ और बोलो कि मैं तो आपको मारना चाहती हूँ, फिर मैं समझूंगी। पीठ पीछे जो होते हैं ना कि कैमरे के पीछे लिख देना, कमेंट लिखना बड़ा आसान है लेकिन लाइफ को जो कैमरे के आगे जीना ना बहुत ही टफ होता है, सिंपल सी बात है, बहुत इंटरव्यू बड़ा हो जाएगा, मैं करना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि निजू भैया मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपने सवाल किया मेरे से, मैं आपको एक सवाल करती हूँ, अगर निजू भैया लोगों का कहना है कि मैं पब्लिसिटी स्टैंड किया, मैं ऐसे पैसा कमाती हूँ, अगर पैसा ऐसे कमाना है तो क्यों मैं धूप में और पानी में बारिश में एल्बम करती रहूं और खोजती रहूं अच्छा गाना। हाँ जिन लोगों का मैंने गाना नहीं कर पाई, जिन लोगों को टाइम नहीं दे पाई, उन लोगों ने भी मुझे गाली दिया है, मैं नाम नहीं लूंगी उन लोगों ने भी गाली दिया है कि उनके ठीक हुआ था, उनके अंदर घमंड था कि वो उनका जो हुआ है सो अच्छा हुआ है, लेकिन ये बताना चाहूंगी कि अगर मैंने नहीं कर पाई तो ये मेरे साथ हुआ तो अच्छा हुआ है, अगर आपके साथ मैं करती तो शायद मैं अच्छी रहती। हाँ ये बताइए अगर मैं कुछ कर लेती तो मेरा घर वालों को तुम संभाल देते हैं, और अगर ऐसा ही करना तो ये मेरा पब्लिसिटी स्टैंड था और ये मेरा पैसा कमाने का जरिया था, तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि मैं शूटिंग में धूप में और बारिश में क्यों काम करती, वही करती ना चार दीवारी के अंदर अच्छे से। देखिए सिंपल से त्रिशा जी मैं आपको बताता हूँ, काम होते हैं चार लोगों का बोलना, मैंने सिंपल से शुरू में कहा जो कमेंट में जो रैंडमली कमेंट होते हैं ना, और जो गलत है आपसे पूछा क्योंकि जन जन में जाके पूछ नहीं सकती। हाँ नहीं तो सिंपल सी बात है, उन लोगों से पूछना भी नहीं है, उन लोगों से मुझे पूछना भी नहीं है जो लोग मुझे मेरे जैसे लड़की को बोल दिए कि तुमको मर जाना चाहिए, तुमको सुसाइड कर लेना चाहिए, अरे गाली दे रहे हो, तुम्हारे साथ भी तो तुम्हारे फेसबुक में 10 अपने परिवार वाले जुड़े हुए होंगे, एक माँ को लेके गाली दे रहे हो, एक बहन को लेके, मेरा फैमिली के सारे लोगों को उछाल दिए, जो मेरा फैमिली कहे नहीं उसको मेरा फैमिली बना दिए, जो मेरा माँ को उछाल दिए, जो जिनको कुछ पता नहीं मैं गलत रहती, मेरे साथ मेरा फैमिली मेरे बहन मेरे पापा सबको उछाल दिए, पता है कितना इफेक्ट पड़ा होगा, पता है उन लोगों के साथ क्या गुजरा होगा, पता है आज के डेट में मेरा मम्मी पापा ओ बहन उन लोगों के साथ, छोटी सी बच्ची मेरा बहन वो तो पढ़ी लिखती पढ़ती है लिखती है, उनके साथ क्या होता होगा, पब्लिक के लिए आप चंद व्यूज कमाने के लिए चीजों को हाईलाइट करने के लिए, मैं गलत थी मैं गलत किया हूं, आपने मुझे पर्सनली मैसेज करते अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इंटरव्यू कर लिए अपने आप से। फेक वीडियो कई सारे बने, कई सारे लोगों ने भी किया, सिंपल सी बात है, कट कीजिए इस चीज को, खत्म करते हैं, सिंपल सी बात है। आगे जो आपको प्यार करते हैं फैंस, खास करके उन सभी के लिए, क्योंकि आपके गाने हमेशा वायरल, उनके लिए क्या मैसेज है, उन गधों के लिए मैं कभी पूछूंगा ही नहीं, उन सबके लिए जो मुझे प्यार करते हैं,
जो हमेशा मुझे ब्लेसिंग दिए हैं, जो हमेशा चाहते थे कि मैं कुछ अलग करूं, मैं फिर से कुछ अलग करने का, और मेरा प्रयास उस टाइम भी जो था अभी भी वही है, पहले भी जो मधु थी अभी भी वही मधु है, काम में इतना सा भी फर्क नहीं मिलेगा और वही धमाका फिर से होने वाला है। और उतना ही प्यार दीजिएगा, उतना ही आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आप लोग, अगर कुछ लोग बोले कि आप शेरनी हो, बंगाल के शेर के तरह जीना चाहिए, उस शेरनी फिर से कमबैक की है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए कि फिर से दहाड़ दिखा पाओ और आप लोगों को फिर से उसी तरह से एंटरटेनमेंट कर पाओ। और हाँ, ना जाने मेरे से बहुत गलती हुई है, उसके लिए हाथ जोड़ के आप लोग मेरे गार्जियन हो, मेरे को माफ कर दीजिएगा। और मेरा गलती बस इतना ही है, विश्वास, आखिर से कोई भी व्यक्ति को मैं इतना विश्वास नहीं करने वाली हूँ, ये आप लोगों से मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू मैडम, वेलकम। तो भैया, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, उन सभी कमेंट करने वालों के लिए कृपया करके जो इसमें जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, उस पर कमेंट, गंदे कमेंट मत करना। और भैया सिंपल सी बात है, धमाका देवी गीत से स्टार्ट होने वाला है, बैक टू बैक नया प्रोजेक्ट लेकर त्रिशा कर मधुर हाजिर होने वाला है, और बहुत जल्दी फिल्मों का लाइन अप भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।